बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फियाज अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फियाज। आज मैं मजे की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिकन मलाई हांडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। चिकन मलाई हांडी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन। इसके लिए हमें चाहिए जी प्याज का पेस्ट। ये प्याजों का पेस्ट बना लिया मैंने। इसके लिए मैंने लिया जी 1 कप क्रीम, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, मक्खन और बादाम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारा जो पेस्ट है, प्याजों का पेस्ट शामिल करके 1 से 2 मिनट कम कर लेंगे फ्राई। प्याजों को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा चिकन। चिकन को भी हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट प्याज के पेस्ट के अंदर। चिकन को मैंने प्याजों के पेस्ट के अंदर 2 मिनट कर लिया है जी फ्राई। अब यहाँ पे स्टेज पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हमारे चिकन के साथ। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर, प्याजों के पेस्ट के अंदर कर लिया है जी फ्राई। अब यहाँ पे स्टेज पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे सफेद जीरा पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। मैंने तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको हम कर लेंगे मिक्स, हिला लेंगे। हिलाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। दही को भी हमने कर लेना है मिक्स। इसके अंदर दही डालने के बाद यहाँ पे मैंने बादामों को छोटा छोटा बारीक पीस लिया था। अब ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम बाकी रख लेंगे डेकोरेट के लिए। इसको भी इसके अंदर हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने नीचे फ्लेम लो कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए हमने दम दे देना है। 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे चिकन की क्या पोजीशन है। बहुत प्यारी महक आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम फ्लेम फिर से तेज कर देंगे। फ्लेम तेज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है साबुत सफेद जीरा, वो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देंगे। मक्खन इसके अंदर शामिल कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसके अंदर हमारी जो स्पेशल चीज है वो है करीम। करीम इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको कर लेंगे हम मिक्स। सब चीजें इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट कर लिया जी फ्राई। अब ये देखिए इसका ऑयल जो है वो आ चुका है बाहर। इसका मतलब आज की हमारी रेसिपी चिकन मलाई हांडी हो चुकी है तैयार। सबसे आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा खुशबूदार सा धनिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल लें चाहे तो ना डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी चिकन मलाई हांडी तैयार हो चुकी है। बहुत कमाल बनी है, खुशबूदार बनी है, जायकेदार बनी है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये रेसिपी चिकन मलाई हांडी की आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।